लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। काला पीपल में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतिभा पर्व का समापन किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आयोजित प्रतिभा पर्व में बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ खेल गतिविधियां आयोजित करवाई गई। BRCC अधिकारी अशोक उपलाबादिया ने बताया कि प्रतिभा पर्व के पहले और दूसरे दिन बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभा पर्व के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी की गई। वहीं प्राथमिक शाला भैसाया, नागिन, भान्याखेड़ी, बहरावल, सेमलिया के शासकीय स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि BRCC अधिकारी अशोक उपलावादिया के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। मनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जो बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है, बच्चों का जो ज्ञान है, शाला का जो परिवेश है, शाला के संबंध में गतिविधियां हैं, उससे लोग भी, जनप्रतिनिधि भी जुड़े, ग्रामीण जुड़े, पालक जुड़े, पालकों का बच्चों के प्रति, स्कूलों के प्रति रुझान बढ़े एवं स्कूल के सकारात्मक परिणाम सामने आए, उस संबंध में सरकार द्वारा प्रतिभा पर्व का आयोजन विगत 3 दिवस से किया जा रहा है। 12, 13 एवं 14 तारीख तक 2 दिन तक बच्चों का परीक्षा के माध्यम से उनका स्तर जांचा गया, जिसमें इस बार शासन ने एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की थी, जिसके माध्यम से जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शालाओं में निरीक्षण कर शालाओं की स्थिति का आकलन किया गया। आज 14 तारीख को समापन के अवसर पर समस्त शालाओं में बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताएं, भाषण, बाल सभाओं के माध्यम से और अंत में बच्चों को पुरस्कार वितरण के माध्यम से बच्चों का आज रंगारंग कार्यक्रम भी संस्थाओं में प्रस्तुत किया गया। इसमें देखा गया कि बच्चे तनाव से मुक्त होंगे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। ऐसे कार्यक्रम आज का जो दिन भर का शेड्यूल था बच्चों का, वही शिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग कई स्कूलों में प्रतियोगिताएँ कराई, खेलकूद का कार्यक्रम कराया, बाल सभाएं करी, इसके माध्यम से आज बच्चों का पूरी तरह से, जिस प्रकार से दीपावली दशहरा का त्यौहार हम मनाए जाते हैं, उस प्रकार से इसीलिए इसको पर्व का नाम दिया गया कि बच्चों का ये पर्व है। बच्चों में उत्साह भरने के लिए आज का दिन पूरा दिन के लिए रिजर्व था, ताकि बच्चे उसका आनंद उठा सकें। ठीक, करवाई गई है सर। इसमें प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस में बच्चों की एग्जाम दी गई, दोपहर पहले और दोपहर के पश्चात, और तीसरे दिन आज के दिन मतलब आनंद उत्सव का कार्यक्रम रखा गया और बहुत बच्चे ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस परीक्षा में भी 2 रोज परीक्षा हुई, इस बच्चों ने इस परीक्षा को बोझ न समझा बल्कि खुशी खुशी स्कूल आए और सभी बच्चों इसमें 100% उपस्थित रहे स्कूलों में सर जी। और मैं चाह रहा हूँ कि शासन की ये योजना है हर वर्ष इसी प्रकार रहे, ताकि इसमें बच्चे और पालकगण अच्छे भाग ले सकें और बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल आए सर। और शासन की जो योजना है उसको हम, मैं स्कूल मेरे साथ साथ शिक्षक बंधुओं से कहता हूँ कि ये योजना है उसको 100% हम करवाएंगे और प्राइवेट स्कूल की जो आजकल जो मंशा है उसको ख़त्म करके हम सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारा गांव का नाम और देश का नाम ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।